देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। तो पाकिस्तान को लेकर कही हर बात हर दावा हमेशा की तरह सच ही निकला। जिस करतारपुर को लेकर मोदी सरकार ने इतना बड़ा फैसला किया, उस करतारपुर में पाकिस्तान क्या कर रहा है, उसकी सच्चाई उजागर की है पीओके कार्यकर्ता ने। भारत पहले से इस मामले में अधिक सतर्कता बरत रहा है। पिछले 2 साल में पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर को लेकर जिस तरह की हरकतें की, उसने भारत के मन में शंका तो पैदा कर ही दिया था। कहा जा रहा था कि कहीं पाकिस्तान भारत में आतंकी गतिविधि को रास्ता देने के लिए कानूनी और वैध तरीके का तो नहीं इस्तेमाल करना चाहता। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सामाजिक कार्यकर्ता है अमजद मिर्जा। अमजद मिर्जा का कहना है कि करतारपुर कॉरिडोर खोलने के पीछे पाकिस्तान की एक बहुत ही शातिराना और कपटपूर्ण चाल है। उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि कश्मीर सीमा पर बुरी तरह मात खाने के बाद पाकिस्तान के आर्मी जनरल बौखला गए हैं और उन्होंने भारत में शांति और सद्भाव बिगाड़ने का दूसरा रास्ता खोज निकाला है। मिर्जा ने सवाल उठाया कि पाकिस्तान ने यह फैसला अभी क्यों लिया, उन्होंने 73 साल बाद इस रुख का इतना सरल नजरिया क्यों अपनाया। अमजद इस बारे में खुद जवाब देते हैं। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि कश्मीर में आतंकवाद फैलाने का उनका रास्ता बंद हो चुका है। इस कारण पाकिस्तान की असली शासक उसकी आर्मी पर वहां की आवाम का भरोसा डिगने लगा। अब करतारपुर कॉरिडोर के जरिए वो खालिस्तानी कट्टरपंथियों का इस्तेमाल पंजाब में शांति और सद्भाव का माहौल बिगाड़ने के लिए करना चाहता है। पीओके कार्यकर्ता का ये बयान भारत की बातों को पुख्ता करता है। जिस तरह से रेफरेंडम 2020 का नाम लेकर पाकिस्तान खेल करना चाहता है, उसके मद्देनजर देखे तो पाकिस्तान करतारपुर गलियारे का रूट इसके लिए इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि पीओके कार्यकर्ता ने इसके पीछे जो तर्क दिया है वो सोचने पर मजबूर करता है। अमजद मिर्जा का कहना है कि पाकिस्तान किसी के हित के बारे में नहीं सोचता, उसके दिमाग में भारत विरोधी साजिशें चलती रहती हैं। मिर्जा ने कहा है कि अगर पाकिस्तान सरकार और आर्मी लोगों की भावनाओं की इतनी ही कदर करते हैं तो उन्हें लद्दाख और कश्मीर का रास्ता भी खोलना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि जब सीमा पार से लोग एक दूसरे से मिलेंगे तो पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।